ट्रिप टू मुक्तेश्वर, हल्द्वानी से मुक्तेश्वर के लिए बस रेडी हो चुके हैं। पीछे देखो पंकज व्लॉग्स, पंकज भाई अपने, और हेलमेट लेने दो भाई ऑलरेडी चले गए। तो फिलहाल तो हम दो गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या बताओ। अगर मनोज भाई भी हमारे साथ अगर सफ़र में बनना चाहेंगे तो तीन गाड़ियाँ हो जाएंगी, नहीं तो ऑलरेडी हम चार लोग हैं दो बाइक में। तो कंटिन्यू करते हैं सफ़र गलियों से दमुआ ढोंगा की। वो दोनों कहाँ मिलेंगे हमको? और लग ही रहा उसको देख के ही। बरसात हो रही है भाई भयंकर, तो देखिए कैसे पानी दिख रहा होगा आपको जगह जगह, सड़कों की तो हालत खराब है। ये निकल के हम भैया सीधे ये रोड जो निकलेगी सीधे काठ गोदाम निकलेगी अंदर अंदर ही, मेन रोड को अवॉइड करते हुए ये पहुंच गए हम। देखो काठ गोदाम वाले मेन रोड पे हमने काट लिया। देखिए कितनी बारिश हो रही है हल्द्वानी मार्केट में, यहाँ पूरा काठ गोदाम साइड पे सड़कों में पानी ही पानी है भैया। तो निकल पड़े हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए आगे। ओ भाई बीच में कहाँ आ रहा है, चलते रहते हैं। उप्स, ये देखिए सामने जो पुल का काम चल रहा है, इसी की वजह से बीच में पूरा यहाँ का रूट जो था वो बंद था। सभी लोग भवाली के रास्ते आ रहे थे छोटी बड़ी गाड़ी, बरसात में काफ़ी मतलब लैंडस्लाइड गड्ढे वगैरह उस सामने पुल के पार साइड पे तो पूरा बह गया नीचे में। अब यहाँ पे निर्माण नव निर्माण होगा लेकिन टाइम लगेगा काफ़ी, बट जो ट्रैफिक होगा तो ओपन कर दिया है छोटी गाड़ियों के लिए। देखिए कितना भयंकर हो रहा है भैया, इसी चक्कर में जाम भी बहुत लग रहा है यहाँ। वो तो अच्छा है कि मतलब बाइक वाले निकल ही जाते हैं जैसे तैसे जहाँ तहाँ से। देखिए कितना जाम लगा पड़ा है यहाँ गाड़ियों की, देखो वन साइडेड कितनी लंबी, मतलब बाइक से तो नॉर्मली हम निकल ही जाते हैं साइड साइड, लेकिन देखो बड़ी गाड़ियों को कितना वेट करना पड़ता है। आते वक्त तो यहाँ से नहीं आएंगे। वाओ देख सकते भाई लोग कैसा मौसम हो रहा है यहाँ भीमताल साइड को, बिल्कुल फॉगी। आजकल ज़्यादातर ऐसी मौसम रह रहा भीमताल नैनीताल भवाली साइड को, और ठंडी भी काफ़ी है और हम टी शर्ट घूम रहे हैं। यहाँ मार्केट की ओर भी पहुँच गए भीमताल, मार्केट क्रॉस करते हैं और थोड़ी देर में ही हम अपना जो मतलब वो चेंज करेंगे मुक्तेश्वर वाली रूट पर भीमताल से। आगे से अपने भाई लोग तेरा वो पंकज टाकुली दिखावा मिटा दे, मिट गया क्यों? हाँ वो तो है। तो दोस्तों अभी हम हैं धारी गांव में, धारी गांव में नीचे देख सकते हैं काफी गांव का जो नजारा है यहाँ से काफी ब्यूटीफुल। नीचे देखो कितना प्यारा लग रहा है, नीचे खेत वगैरह जो दिख रहे हैं, सब्जी वगैरह काफ़ी उगाई हुई हैं। अब जो आज का ग्रुप है मेरा हमारे वीडियोस में देख सकता है, ये पंकज भाई को तो हर कोई जानता है, और दो भाई लोग नए जुड़े हुए हैं आज। भाई आपका नाम? प्रमोद। प्रमोद भाई और चंदन। चंदन भाई, प्रमोद भाई और चंदन भाई, सब पहाड़ी भाई लोग। आज हम हल्द्वानी से मुक्तेश्वर को निकले हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं सफ़र का मज़ा लेते हुए। अभी समथिंग दिन का 3 बजा हुआ है तो चलते हैं क्योंकि वापस भी आना है, तो बाकी की फुटेज आगे का भी दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। तो दोस्तों सफ़र कंटिन्यू हमारा जो चल रहा है, धारी से आगे हमारा जो धाना चुली जो यहाँ पे पड़ता है जगह का नाम, बेस स्टॉप अगला है धाना चुली के बाद, उसके बाद जो नीचे मुक्तेश्वर वाली नीचे मार्केट आएगी वहीं से हम कट मारेंगे मुक्तेश्वर वाले मेन। काफी सुहाना मौसम हो रहा है, धीरे धीरे बारिश भी रुक गई है। यहाँ से ऊपर को है सर मुक्तेश्वर, यहाँ से ऊपर को है, ऊपर है ना? हाँ वो ये था ना, मैं तेरे को बोला ना वहाँ पे ऊपर है ऊपर करके, मैं तेरे को बोला था ऊपर है ऊपर करके, ये था वो रास्ता, वही मैं तो यही से जाएंगे शॉर्ट पड़ता तो। अब तो बहुत ही दुकानें दिख रही हैं, हम तो पूरा ग्रुप आए थे पैदल आए थे घूमते हुए, कप्पू के फूल वूल बहुत कुछ। ओए होए आगे देखना, ये है शायद एक तो ये है रास्ता पैदल वाला है।
ये शायद जंगल वाला रास्ता, मंदिर वाला जो ऊपर जा रहे हैं लोग। सो फाइनल फ्रेंड्स, वी आर हियर एट मुक्तेश्वर धाम। देख सकते हैं आप लोग, ये आउटर एरिया है, यहीं पे हमने बाइक वगैरह अपनी पार्क कर ली है। तो थोड़ी देर में बस निकलते हैं आगे को। काफी यात्री यहाँ पे आए हुए हैं। जो मुक्तेश्वर का मौसम है, यहाँ का क्लाइमेट, वाह, जिसके लिए लोग मतलब दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। एक हिल स्टेशन छोटा, ये अट्रैक्शन काफी अच्छा है इस लोकेशन का। गाड़ी से उतर के ज्यादा दूर है नहीं, लगभग ये मान के चलिए कि 500 मीटर ही मुश्किल से होगा मंदिर तक का सफर। देखिए सामने मंदिर दिखने लग गया, पहुंच ही गए हम लगभग मंदिर तक। तो हम अब चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। तो दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम जो ये है, इसका अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो लगभग 350 साल पुराना प्राचीन मंदिर इसे माना जाता है। और मुक्तेश्वर धाम जो है, श्रद्धा का केंद्र होने के साथ साथ एक बेहतरीन पर्यटक स्थल भी है, जहाँ दूर दूर से मतलब आउट ऑफ इंडिया तक यहाँ से लोग आके यहाँ पे दर्शन करते हैं। पुराणों के अनुसार अगर हम जाएं दोस्तों, तो मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित जो 18 प्रमुख मंदिर है उनमें से एक माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा भी कही जाती है कि जिसके अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर एक दानव के साथ यहाँ पे युद्ध किया था, और वो दानव बाद में पराजित हो गया और यहाँ से उसे मुक्ति मिली थी, जिस कारण ही इस लोकेशन का जो नाम है ये मुक्तेश्वर नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और माना जाता है कि इस लोकेशन पर देवताओं के साथ साथ पांडवों का भी यहाँ पे जो दौरा हुआ था, ऐसा भी लोग मानते हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो भव्य वास्तुशिल्प सोम वंशी वंश के जो राजा थे ययाति प्रथम द्वारा यहाँ पे किया गया था। ये देखिए सामने जो है मेन मंदिर है, लाइन लगी हुई है, एक्चुअली ज्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, तो इजीली नंबर भी आ जाएगा। मुक्तेश्वर का जो ये मंदिर है, ये मेन मंदिर, इसके अंदर यहाँ पे आपको सफेद संगमरमर का जो शिवलिंग है वो मौजूद है, और जिसमें एकता की जो योनि होती है, तांबे की जो योनि है, वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। और शिवलिंग के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, ब्रह्मा जी, विष्णु, पार्वती, हनुमान जी और नंदी सहित अन्य देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पे स्थापित की गई। सामने अंदर दिख रहा होगा हल्का सा, ये देखिए पुजारी जी अंदर एक एक करके सभी की पूजा यहाँ पे जो कर रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अगर कोई दंपति ने संतान है तो वो यहाँ पर आकर भगवान की पूजा करे तो उन्हें संतान प्राप्ति भी होती है। अगर आप लोग नेचर का लुत्फ को उठाना चाहते हैं तो बहुत प्यारी लोकेशन है। देखिए क्या प्यारी हवा चल रही है। और अगर आप इस मंदिर का जो ये वास्तुकला देखें तो यह वास्तुकला ओडिशा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। तो दोस्तों, अगर आपका भी मन है कि आप लोग यहाँ मुक्तेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आए, तो बेस्ट जो टाइम है यहाँ पे आने का, तो वो आप अक्टूबर से अप्रैल मंथ तक के बीच में यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी मौसम में यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो सीजन टाइम होता है बेस्ट टाइम वो यही है। और यहाँ पर जो 4 दिन का जो मुक्तेश्वर उत्सव यहाँ पे लगता है वो भी काफ़ी भव्य रहता है। देखिए पक्षी कितनी प्यारी है, इतनी तेज हवा चल रही फिर भी मतलब हिल नहीं रही हो। यहाँ से नीचे देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है नीचे। थोड़ी देर में हम यहीं जाएंगे, नीचे भी एक जो सेकंड लोकेशन है यहाँ का अट्रैक्शन अगला, चौली की जाली, तो थोड़ी देर में वहीं लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों, पहाड़ के ये उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं जो हमें जन्नत की ओर ले जाते हैं कह सकते हैं ऐसा, तो मुक्तेश्वर का जो सेकंड यहाँ पे अट्रैक्शन है ये चौली की जाली, वहीं पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छी लोकेशन है वहाँ पे, जो खुली नंगी चट्टानें हैं जहाँ से नीचे देखने पे भैया सर चकराने लगता है, तो वहीं मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ये देखिए अब तो काफ़ी यहाँ पे जो छोटे छोटे ये आप देख रहे होंगे ठेले वगैरह लग गए हैं, पहले ऐसा नहीं था जब मैं समथिंग 6-7 साल पहले आया था यहाँ पे। ये देखिए चट्टानें नीचे कितनी भयंकर हैं। तो यहाँ पे भी जो चौली की जाली है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यहाँ पे मान्यता है उसकी। यहाँ आगे चट्टानों में देखेंगे आप,
तो सामने जो आपको चट्टान में ये छिद्र दिख रहा होगा, इसके बारे में बोलते हैं कि जब भगवान शंकर यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो बाबा गोरखनाथ जो थे वो अपने जागेश्वर की यात्रा के टाइम पे उनकी जो तपस्या है वो भंग न करते हुए उन्होंने अपने गंडासे से यहाँ चट्टान पे जो छेद किया था इसी से वो आगे बढ़े थे अपनी यात्रा। और जो चट्टान में छिद्र है इसके बारे में भी यहाँ पर मान्यता है कि अगर कोई भी निसंतान महिला यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव की साधना कर शिवरात्रि के दिन इस जो छिद्र है इसके आर पार होती है अपने मन में जो संतान की कामना करते हुए, तो उनकी जो वो कामना है वो पूरी होती है। दोस्तों यहाँ पे मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, जब से हम यहाँ पे आए हैं मतलब लगभग 2-3 बार मौसम चेंज हो चुका है, कभी बारिश की बूंदें हैं, कभी धूप, तो कभी देखिए जो ये फॉग बिल्कुल कितनी स्पीड से हवा के साथ उड़ रहा है और मौसम साफ हो रहा है, जिसे हम लोकल की भाषा में हॉल कहते हैं। हॉल देखिए कितनी हवा प्यारी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, जो पहाड़ आप देख रहे हो तो रैम्पलिंग रॉक क्लाइंबिंग वगैरह यहाँ पे भी होती है पूरी सेफ्टी के साथ। अभी दिखाऊंगा मैं आपको एग्जांपल आगे, देखिए कैसे जो पत्थर हैं पैने पत्थर हैं, हर कोई यहाँ पे ये अपना गुड टाइम जो स्पेंड कर रहा है। देखिए तो आपको ये रोप और जो सेटअप दिख रहा होगा आपको तो रैम्पलिंग वगैरह के लिए, देखिए कैसे डबल चेक करके प्रॉपर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, सभी मोटिवेट करते हुए। छोटी सी बच्ची है देखिए, तो ये मतलब अपने अंदर का डर निकालने के लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे गेम्स वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। यहीं पर आपको सन 1993 में बना हुआ जो IVRI जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर जो जानवर हैं उन पर रिसर्च वगैरह भी की जाती है, तो वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक म्यूजियम और लाइब्रेरी भी है जिस पे जानवर पे किए गए रिसर्च वगैरह सब सारा मटेरियल यहाँ पे जो सामान है उनसे रिलेटेड सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो सफर है वो समाप्ति की ओर है, अलविदा कहने का जो समय है वो आ चुका है। होप सो आप सभी को ये वीडियो मुक्तेश्वर धाम की बहुत पसंद आई होगी, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अच्छा टाइम यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने देवभूमि दर्शन को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर अपना जो सपोर्ट है वो देवभूमि दर्शन के साथ बनाए रखें। अगली वीडियो के आने तक हम आपसे विदा चाहते हैं, गुड बाय दोस्तों।